प्रश्न 15 करेंगे। आकृति के अंतः और बाह्य, ये वाला जो हमें आकृति दे रखी है इसका अंदर का और बाहर का दोनों की हमें जो परिधि निकालनी है, हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। तो बाहर की जो त्रिज्या है वो तो 19 है, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या यहां से लेके यहां तक 19 है। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, अगर हमें अंदर वाले की परिधि निकालनी। तो बाह्य जो त्रिज्या है वो है 19 मीटर, बड़ा वाला आर लिख लिया। भीतरी त्रिज्या जो है 19 में से 10 को माइनस कर देंगे, 9 मीटर, ठीक है। अब जो अंदर वाला भीतरी वृत्त है उसकी परिधि निकालने का फॉर्मूला 2πr, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14, r है 9, तीनों को गुणा कर दिया, ये हमारा अंदर वाले वृत्त की परिधि आ गई। ऐसे ही बाहर वाले वृत्त की परिधि के लिए 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू r है 19, तीनों को गुणा कर दिया और हमारे बाहर वाले वृत्त की परिधि आ गई, ठीक है। तो दोनों वृत्त की हमारी परिधि निकल आई। प्रश्न 16 देखते हैं। प्रश्न 16 में है 28 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा। कितनी त्रिज्या है पहिए की, 28 मीटर है और उसको दूरी कितनी तय करनी है 352 मीटर, तो कितनी बार घूमना पड़ेगा ये अब हम बताएंगे। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहले हम एक चक्कर की निकालेंगे, ठीक है, यानी कि उसका क्या निकालनी पड़ेगी, परिधि निकालनी पड़ेगी। एक चक्कर है ना, तो परिधि निकालनी पड़ेगी। ये पहिया है, वो अगर एक चक्कर काट रहा है तो मतलब उसकी परिधि निकलेगी। क्या फॉर्मूला है 2πr, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू उन्होंने 22/7 रखने को बोली है और त्रिज्या उन्होंने हमें बताई है 28 मीटर, उन्होंने हमें पहले से ही क्वेश्चन में त्रिज्या बता रखी है। तो यहाँ पे 7 × 7, 7 × 4, 28, तीनों को गुणा कर दिया 176 मीटर, यानी कि जो एक चक्कर है वो 176 मीटर में एक चक्कर वो पूरा कर लेगा। ऐसे ही 352 मीटर उसको दूरी तय करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे 176, तो 352 को 176 से हम भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने जो एक चक्कर लगाया वो कितना सेंटीमीटर था, पहिए ने जो एक चक्कर की दूरी तय करी वो था 176 मीटर, तो उसने कितनी दूरी तय करनी है 352 मीटर दूरी तय करनी है। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा भाग, तभी हमें पता चलेगा कितना चक्कर लगा। अब एक मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम इसको साथ में 100 से गुणा करेंगे। तो जब हम इन दोनों को काटेंगे तो 176 को एक और 176 × 352, अब 100 को 2 से गुणा कर देंगे तो 200 गुणा जो है वो डबल, 200 गुणा मतलब हो गया डबल, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो दो चक्कर कह सकते हो इसको, या फिर डबल कह सकते हो, 200 गुना जो है वो उसने चक्कर लगाए, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 17। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर, एक वृत्ताकार घड़ी है उसकी सुई की जो लंबाई 15 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई की जो नोक है वो एक घंटे से कितनी दूरी तय करती है। जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई की जो नोक है वो एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है, जो घड़ी के अंदर वो जो एक घंटा चलती है ना वो कितनी दूरी तय करती है वो हमें इसमें निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो मिनट की सुई है वो एक पूरे चक्कर में एक घंटा तय करती है। एक घंटे का क्या मतलब होता है 60 मिनट, यानी कि जो एक पूरा जो मिनट की सुई चलती है वो जब वो चलती है तो पूरे चक्कर में एक घंटा तय कर लेती है। तो तय की गई दूरी हमें निकालनी है। 15 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जो परिधि है कितना आएगा इसमें, 15 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि, पहले एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारी घड़ी है, इस घड़ी के अंदर एक सुई है, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की जो सुई की लंबाई है, मान लो ये मिनट की सुई है, इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी लंबाई। अब जो ये मिनट की सुई है ये पूरा एक चक्कर जो है एक घंटे की जो दूरी तय करती है वो हमें इसमें निकालनी है कि मिनट की सुई की नोक एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है। ये जो सुई है ये एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है, हमें पता है कि जो एक घंटे की जो ये जो दूरी तय करती है वो एक घंटा तय करती है, अगर पूरा चक्कर काटेगी तो एक घंटा ही दूरी तय करेगी। अब हमें तय की गई दूरी निकालनी है, तो जो 15 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी हमें इसकी, क्योंकि हमें क्या निकालनी है पूरी दूरी निकालनी, तो इसका मतलब हमें परिधि निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या हमारे पास क्या हो गई 15 सेंटीमीटर, क्योंकि सुई की जो लंबाई है। अब 2πr का फॉर्मूला लगाएंगे हम, 2 की जगह 2, पाई की 3.14 और r क्या है त्रिज्या हमारी 15, तीनों को गुणा कर दो तो 94.2 सेंटीमीटर जो है वो
दूरी तय करेगी। कौन सी सुई? मिनट की सुई जो है पूरे एक घंटे के अंदर 94.2 सेंटीमीटर की दूरी को तय करेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे की प्रश्नावली करेंगे। वीडियोस हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।